गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बेटा, हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे एंड टुडे वी आर इन द लास्ट ऑफ दिस यूनिट, मींस दिस लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। हम आज बची हुई चीज़ों को फिनिश कर देंगे और कुछ कॉम्पिटिशन में आने वाली चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो और उसके बाद इस यूनिट का टेस्ट भी होगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम पढ़ेंगे मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करैक्टर। तो पहला है मेटलिक करैक्टर। बेटा, मेटलिक करैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे आसानी से और उस पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज किस लिए करता है? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। अब अपना ऑक्टेट पूरा, इसके आखिरी सेल में हर कोई चाहता है कि उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए बहुत इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 8 बचे। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो, क्योंकि जैसे सोडियम है, अब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है, इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन कितने बचे, 11 मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव, इसको हम कटायन भी बोलते हैं। तो सोडियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर एक प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उसको हम मेटल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी एलिमेंट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर मेटल, मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड बिकम्स ए कटायन। इलेक्ट्रॉन लूज करके और कटायन बन रहा है, कौन बन सकता है, हमने बताया था कि जिसका साइज बड़ा होगा। जैसे मान लो एक ये एटम है, हमारे पास ये एटम है, एक तो 2 है एंड 1, और एक हमारे पास एटम ये है बेटा। आप समझ रहे हैं इसको ध्यान से कि ये बहुत बड़ा एटम है और इसके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, और ये बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। ये नज़दीक है, देर में करेगा, मीन्स देर एग्जिस्ट से अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, ये वीकर अट्रैक्शन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आप समझिए, जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटलिक करैक्टर इसका ज़्यादा। यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकालते हैं, जिसका साइज बड़ा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो कैसा हो जाएगा, मेटलिक हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, लार्जर द साइज मोर विल बी मेटलिक करैक्टर, लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी मेटलिक करैक्टर, मोर विल बी मेटलिक करैक्टर, ठीक है। तो अब जहाँ साइज ज़्यादा बढ़ रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटलिक ज़्यादा हो जाएगा। आप समझिए, इन ए पीरियड आप बताइए पीरियड की अगर हम बात करें तो, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, और हमने कहा था लार्जर साइज होगा तो मेटलिक ज़्यादा होगा, तो इन ए पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है तो मेटलिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक करैक्टर डिक्रीजेस, इन ए पीरियड मेटलिक करैक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन ए ग्रुप, अब ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम, और आपने पढ़ा था कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और हमने बताया है साइज इंक्रीज तो मेटलिक करैक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इन ए ग्रुप मेटलिक करैक्टर इंक्रीजेस, रीजन आपको पता चल गया, मेटलिक करैक्टर
इंक्रीजेस। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, मेटलिक और नॉन मेटलिक। तो मेटलिक तो मैंने बता दिया, अब हम बात किसकी करेंगे, नॉन मेटलिक की बात करेंगे। मेटलिक तो आपने समझ लिया होगा, अब हम बात करेंगे नॉन मेटलिक की। यहां पर मैं लिख देता हूं नॉन मेटलिक, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे आसानी से। अब मेरे को ये बताइए कि ये कोई एटम है और ये कोई एटम है, इन दो एटम की अगर मैं बात करूं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से गेन करेगा, ये न्यूक्लियस नज़दीक है जल्दी गेन करेगा। तो नॉन मेटल वो होते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करे और उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब अनायन बन जाए, तो ये जल्दी गेन करेगा। तो ये जिसका साइज छोटा वो ज़्यादा नॉन मेटलिक। तो साइज छोटा कहाँ हो रहा है, पीरियड में, तो उसका उल्टा हो जाएगा। मैं कहूँ इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, व्हाट विल यू से, पीरियड में जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटलिक करैक्टर, नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीजेस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इन ए ग्रुप, अब ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप में साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटलिक करैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम क्या कहेंगे, नॉन मेटलिक करैक्टर, नॉन मेटलिक करैक्टर डिक्रीजेस। साइज इतना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में दिक्कत रहेगी, तो नॉन मेटलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें। अच्छा, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर समझना बेटा। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं सोडियम की बात करूं, 11 होते हैं, 281, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन की मैं बात करूं, 7 होते हैं, 2 और 5, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 5 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी बताता हूँ मैं। कि हर कोई, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं, कि कोई भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा। कोई भी एलिमेंट एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कब करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। गेन कब करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम सिंपली ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि जैसे सोडियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये अपना ऑक्टेट जब पूरा करना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो या तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे उसकी वैलेंसी हो गई। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी बेटा इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कहूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, और अगर मैं यहां पर वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी आप देखिएगा कितनी है इसकी, इसकी वैलेंसी है भाई ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम क्या कहेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं किसी भी एटम की, वैलेंसी की बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो आप देखो कैसे क्या होता है। जैसे हमारे पास था हेलिना की रब से फरियाद, और यहाँ पर क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, फिर बोरोन था बने आलू गोभी इन तेल, कहे सीता जी सुने प्रभु ना पी ऐसे सबके बीच, ओल्ड स्टाइल से टिपू फिर कल बाहर आई आंटी। अब अगर मैं इसकी बेरिलियम की वैलेंसी की बात करूं तो इसके आखिरी सेल में कितने होते हैं,
टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने हो गए, टू एंड टू, वैलेंसी टू हो गई। इसमें फाइव होते हैं तो इसकी वैलेंसी थ्री हो गई, इसकी वैलेंसी फोर हो गई। लेकिन इसकी वैलेंसी फिर कितनी हो रही है भाई, अभी हमने बताया था सेवन होते हैं, टू फाइव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फाइव है लेकिन वैलेंसी कितनी है, थ्री है, इसकी वैलेंसी टू है और इसकी कितनी रहेगी, वन रहेगी। तो अगर आपसे वेरिएशन पूछा जाए कि पीरियड में अगर हम जाए तो क्या होगा, तो पीरियड में जाएंगे तो वैलेंसी पहले तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेरिएशन इन ए पीरियड, इन ए पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। आपको मैंने एग्जांपल देख के बताया है बेटा, बट ये ऐसे कि यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, चार हो गई थी कार्बन की, फिर उसके बाद वैलेंसी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो पीरियड में जब हम जाएंगे तो वैलेंसी पहले तो बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी। अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम बेटा कॉन्स्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, नो वेरिएशन इन ग्रुप, नो वेरिएशन मीन्स फिक्स होती है। अगर मैं बात करूं नो वेरिएशन, कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं, फ्लोरीन की वन है, क्लोरीन की वन है, ऑक्सीजन की टू है, सल्फर की टू है, नाइट्रोजन की थ्री है, फॉस्फोरक, मतलब एक ग्रुप में क्या रहती है, सेम रहती है, नो चेंज हम कहेंगे इस केस में। तो ये क्या हो गई, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप, मैं बताता हूं आपको कि जैसे हमारे पास है लिथियम और सोडियम, ये पहला ग्रुप था, बेरिलियम और मैग्नीशियम। डायगोनल ये यहां से यहां डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है लिथियम और मैग्नीशियम, ये डायगोनली रिलेटेड है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, लगभग सेम रहेंगी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये, आगे पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच क्यों करती हैं, एक्सेल में करने का एक कारण है, वजह है क्योंकि इसका और इसका साइज सेम है, और सेम साइज की वजह से काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। साइज सेम क्यों है वो मैं बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं पीरियड में, लिथियम से जब बेरिलियम पे गए तो पीरियड है, और लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ छोटा हो गया, लेकिन फिर हम कहाँ आ रहे हैं ग्रुप में, बेरिलियम से, और जब मैग्नीशियम पे आए तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। आप देखो जितना यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ उतना यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, मीन्स यहाँ से चले उतना ही साइज हो गया, तो ऑलमोस्ट सेम साइज की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है भाई लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम प्रॉपर्टीज, या लिथियम डायगोनली किससे रिलेटेड है, लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम से रिलेटेड है। यहाँ पर कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि अगर मान लो ये भी तो डायगोनली रिलेटेड है, इनकी भी तो प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, नहीं इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। वजह बता देता हूँ, बिकॉज साइज इज नॉट सिमिलर, साइज सिमिलर नहीं है, वजह देखो बेरिलियम से और जब लिथियम पे हम आ रहे हैं तो साइज बढ़ेगा भाई, यहाँ से यहाँ घट रहा है तो यहाँ से यहाँ तो बढ़ेगा, तो बेरिलियम से बड़ा साइज लिथियम का, और लिथियम से जब नीचे की तरफ आए ग्रुप में तो ग्रुप में फिर से साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी बढ़ा, यहाँ से यहाँ भी बढ़ा, तो इसका साइज तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में था जो आपको पढ़ना है। इस यूनिट का बेटा टेस्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, कॉम्पिटिशन में जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर इस यूनिट से नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। कुछ दो चार क्वेश्चंस मैं आपको करा भी देता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक चीज़ याद रखना कि जैसे साइज की अगर बात आ जाए तो साइज हमेशा अनायन का साइज बड़ा होता है किससे, कटायन से, अनायन हैव लार्जर साइज देन कटायन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हमसे कह दिया गया
है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बने आलू को भीन तेल, कहे सीता जी सुने प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी। तो अब जैसे हमारे पास ये है, सेकंड पीरियड की बात है ये, ठीक है। अब इसमें कह दिया कि इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 2018 या 19 के नीट में ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको कैसे अरेंज करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 1s2 2s1, ये है 1s2 2s2, इसका हो गया, बोरोन का हो गया 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये हो गया, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ये हो गया, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ऑक्सीजन का आ जाता है 2p4 और फ्लोरीन का आ जाता है 2p5 आखिर में। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको इसको। हमने बताया था लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो होना तो ये चाहिए हम सीधा ऐसे सिंबल लगा दें कि भाई इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सेल में नहीं है। लिथियम का तो कम हो गया बेरिलियम से, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बेरिलियम और बोरोन को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेरिलियम में 1s2 2s2 है और इसमें 1s2 2s2 2p1 है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन पी में से जा रहा है जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये फुल्ली फील्ड है। तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करना रिमूव करना मुश्किल है, तो वी हैव टू सप्लाई ग्रेटर एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, तो बेरिलियम की ज़्यादा हो गई बोरोन से, ठीक है, फिर बोरोन से ज़्यादा कार्बन की हो गई क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, कार्बन से ज़्यादा किसकी हो गई, नाइट्रोजन की। लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन में जो है 2p3 है और इसमें 2p4 है, नाइट्रोजन में 2p3 1 2 3। अब आप देखिए मैंने बताया था या तो जो हाफ फील्ड होगा या फुल्ली फील्ड होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है, लेफ्ट राइट फिर इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे कम लिथियम की, फिर बेरिलियम की, बेरिलियम की फिर ज़्यादा हो जाती है बोरोन से, फिर ठीक है इधर ये इसकी ज़्यादा, ये दो एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोजन और बेरिलियम, इनको याद रख लेना बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट की फॉर्म में राइट करोगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे चलते हैं हम, क्या हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब ये मैं सर्वोत्तम के नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनमें वो भी हैं जो नीट में और इसमें आए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन इसने दिया है, ये कह रहा है Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, F नेगेटिव है और O2 नेगेटिव है। कह रहा एटॉमिक साइज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए अरेंज करना है कि किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, हमने अभी बताया था जो अनायन है उसका साइज बड़ा होगा, जो कटायन है उसका साइज छोटा होगा। अब अनायन ये दो हैं, अब जिस पे ज़्यादा चार्ज उसका साइज बड़ा, तो हम कहेंगे O2 नेगेटिव हैज़ लार्जर साइज देन F नेगेटिव, ठीक है। कटायन का साइज छोटा होता है, लेकिन इसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने दो किए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही साइज भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, Na पॉजिटिव का साइज छोटा है और Mg2 पॉजिटिव का तो उनसे भी छोटा रहेगा। तो साइज के बेस पे आ जाए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एक एटम है मान लो ए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 287, ठीक है। अब कह रहे इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला है इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्या लिखा है इसने, सेकंड लिख रहा है इट इज नॉन मेटल एलिमेंट, इट इज नॉन मेटल, ठीक है। थर्ड वन ये कह रहा है इट्स वैलेंसी इज वन, इट्स वैलेंसी इज वन। एंड द फोर्थ पॉइंट है इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस क्वेश्चन को क्यों उठाया है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती है, एक ही क्वेश्चन में कई पॉइंट आ जाते हैं, कई चीज़ें हो जाएंगी। इट फॉर्म्स डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि जैसे मान लो आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और इसने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। डाई एटोमिक का मतलब दो एटम जुड़ रहे हैं, तो दो एटम जुड़ रहे हैं तो डाई एटोमिक हो गए। डाई एटोमिक का मतलब है जैसे F2, Cl2, ये जो हैं ये क्या बनाते हैं, डाई एटोमिक, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ये बात तो इसके बारे में सही है। लेकिन ये कह रहा है कौन सी चीज़ गलत है, उसने गलत पूछा है। ही इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, इट इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल मैंने बताया था आपको, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो नॉन मेटल, जो लूज करे वो मेटल। तो अब आप इसमें देखोगे कि 7 है इसमें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। गेन क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अब इट्स वैलेंसी इज वन, आप देखिए इसकी वैलेंसी वन है। वैलेंसी हमने अभी बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितने गेन करेगा। तो आप देखिए 7 है, एक गेन करेगा, जो गेन करता है एक गेन करे एक लूज करे, वैलेंसी वन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वन। ये बात भी ठीक हो गई। इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, एक तो आप ये कह सकते हैं जब ये तीनों सही हैं तो रॉन्ग यही होगा। दूसरा बेसिक ऑक्साइड, ये बात समझाने के लिए भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ज़रूरी है ये, ठीक है, कि अगर कोई मेटल है, हमारे पास कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेटा बेसिक होते हैं नेचर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है इसको, कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, तो आप सोडियम मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल का के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कैसा होगा, एसिडिक। ये हमने कह दिया ये नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसने क्या लिख दिया, बेसिक। ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखोगे, ध्यान रखोगे इस बात का, इस पे क्वेश्चंस मैं दूंगा, तो ये पॉइंट गलत है। तो पॉइंट गलत है इसका मतलब ये है इसने गलत ही पूछा है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, तो हम कहेंगे इट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कैपेसिटी को मेजर करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपनी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, गेन करने की नहीं है, गेन करने की जो कैपेसिटी है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। इस पॉइंट को याद रखना आप। क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं, इसमें मैंने छांटे भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट, विच ऑफ
फॉलोइंग हैव नो यूनिट। ये चीज़ आप समझ गए कि इनमें से किसकी यूनिट नहीं है। तो हमने जो टर्म्स ज़्यादातर पढ़ाई थी, अब आपसे पूछा जाएगा, एक दे दिया ऑर्गेनाइजेशन एन्थैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है कि हमने तसल्ली से बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इस बात को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस एसिड इज मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस एसिड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। एक्वस एसिड हैं जैसे हमारे पास है HF, HCl, HBr और HI। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि इसको कैसे डील करना है आपको, कि इस चीज़ को डील कैसे करोगे। तो इसमें आप बताओगे कि HF, HCl, HBr में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन देता है। इनमें से जो H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जल्दी कौन देगा, देखो बेटा फ्लोरीन, हमने ये बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कि इनमें से स्ट्रोंगर एसिड, इनमें से साइज किसका ज़्यादा है। सबसे बड़ा साइज आई का है, ठीक है, उससे छोटा बी आर का है, ऐसे छोटा होता चला गया। तो जो साइज छोटा होगा, जैसे H है और F है, साइज छोटा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। H और Cl, H है और Cl है, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो हम कहेंगे HF, HCl बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, HBr बॉन्ड और बड़ा कर देंगे, और HI बहुत ज़्यादा बड़ा बॉन्ड कर देंगे। छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बड़ा बॉन्ड वीक होता है। अगर छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो देर में टूटेगा, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, ये आसानी से टूट जाएगा। छोटे बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये आसानी से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से दे रहा है, ज़्यादा एसिडिक। तो इस ऑर्डर में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये एसिडिक ऑर्डर है, ये एच पॉजिटिव जल्दी देगा तो ये ज़्यादा एसिडिक, ये देर में देगा तो ये कम एसिडिक। तो इन चीज़ों को बेटा ढंग से पढ़ना, नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट होगा आपको याद रखना है। थैंक यू।